नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने परिवर्तन के ऊपर चर्चा की है कि परिवर्तन की अवधारणा क्या है, इसकी क्या विशेषता है। अब हम सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाएं देखेंगे, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी कुछ विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से ही। प्रारंभ से समाजशास्त्रियों ने उद्द विकास, प्रगति, सामाजिक परिवर्तन तीनों अवधारणाओं को एक ही अर्थ में माना था, किंतु कालांतर में सन 1922 में ओकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें विद्यमान विभेद को स्पष्ट किया। उसके बाद समाजशास्त्रीय शब्दावली में इनका प्रयोग अत्यधिक रूप में होने लगा। अब सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, इस पर विद्वानों द्वारा दिए गए विचारों पर प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। जॉनसन के मतानुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। किंग्सले डेविस के मत में सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर एम पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी मैकाइवर एवं पेज सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। जेनसन के मत में सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बोटोमेरमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। इसी प्रकार गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जोन्स के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेर फेर या संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरिल एवं एल्ड्रिज के अनुसार जब मानव व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार इन्होंने मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, प्रकारों अथवा सामाजिक ढांचे अर्थात सामाजिक संगठन और समाज के आकारों आदि में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित या निम्न तथ्यों को लिया जा सकता है। नंबर वन, सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को कहते हैं।
नंबर टू, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति विशेष अथवा कुछ ही व्यक्तियों में आए परिवर्तन से नहीं माना जाता है, बल्कि समाज के अधिकांश अथवा सभी व्यक्तियों द्वारा उसे जीवन विधि विश्वासों में स्वीकार किए जाने पर ही माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन की हम कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं उनमें नंबर वन है सामाजिक प्रकृति। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। अर्थात जब संपूर्ण समाज की इकाइयां जैसे जाति, वर्ग, समूह, समुदाय आदि के स्तर पर परिवर्तन होता है या परिवर्तन आता है, तभी उसे सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। नंबर टू, सार्वभौमिक प्रघटना। सामाजिक परिवर्तन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं जहां परिवर्तन नहीं न हुआ हो, यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति एवं स्वरूप भिन्न हो सकती है, क्योंकि कोई भी दो समाज एक जैसे नहीं होता है। उनमें इतिहास, संस्कृति, प्रकृति आदि में इतनी भिन्नता होती है कि कोई एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं हो सकता। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है, अतः समाज के स्तर पर यह सभी कालों में वह सभी समाजों में किसी न किसी रूप में होता अवश्य है। नंबर तीन, स्वाभाविक एवं अवश्यंभाविक परिवर्तन। चूंकि प्रकृति का शाश्वत सत्य आवश्यक रूप से होता है, अतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं नंबर तीन स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी परिवर्तन। परिवर्तन चूंकि प्रकृति का शाश्वत सत्य आवश्यक रूप से होता है, अतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता रहता है। प्रायः मानव स्वभाव परिवर्तन का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएँ, इच्छाएँ, परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। मानव अपनी बदलती परिस्थिति से समायोजन करने के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। यह एक स्वाभाविक घटना है। नंबर चार, तुलनात्मक एवं असमान गति। सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, किंतु सभी समाजों में इसकी गति अलग अलग होती है। ग्रामीण समाजों में परिवर्तन बड़ी मंद गति से आता है। इसका कारण यह होता है कि वहाँ पर परिवर्तन लाने वाले कारक भिन्न प्रकार के होते हैं, जबकि शहरी समाजों में परिवर्तन तेज गति से आता है। इन दोनों स्थानों में आए परिवर्तन को तुलना द्वारा ही बताया जा सकता है कि किस स्थान पर कितना परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए, आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास आदिम क्षेत्र की तुलना में तीव्र गति से आता होता है। यहाँ हम दोनों समाजों में हुए सामाजिक परिवर्तनों की तुलना करके ही उनकी असमान गति का अनुमान लगा पा रहे हैं। नंबर पाँच, जटिल प्रकटना। दो समाज में हुए परिवर्तनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, किंतु कितना या किस
स्तर का इसकी माप तोल संभव नहीं होती है। उदाहरण के लिए आज के विचार, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज प्राचीन समय से भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन कितना अंतर है इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन गुणात्मक रूप से होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यह है कि यह एक जटिल तथ्य है, सरलता से इसका रूप नहीं समझा जा सकता। नंबर 6, भविष्यवाणी असंभव। परिवर्तन तो होता है या अवश्य हो है, लेकिन वह किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा आदि स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए तकनीकी विकास का प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ा है। रहन सहन, भोजन व्यवस्थाएं, आवागमन, भौतिक सुख सुविधाएं आदि अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित है, लेकिन व्यक्तियों के विचार, विश्वास, मूल्य किस सीमा तक इससे प्रभावित हैं और होंगे, इसकी भविष्यवाणी असंभव नहीं तो दुष्कर कार्य अवश्य है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार, विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसके संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इसके सामाजिक परिवर्तन की हमने कुछ विशेषताएं देखी हैं। इसके अतिरिक्त विल्बर्ट मूर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं बताई है, जिनकी हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, अनिवार्य नियम। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य नियम है, अर्थात सामाजिक संरचना के किसी न किसी अंश अथवा संपूर्ण अंश में परिवर्तन अवश्य होता है। सामाजिक पुनर्निर्माण की अवधि में यह सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार नंबर 2, आधुनिक समाज में आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन अधिक होते हैं, जिन्हें स्पष्टतया देखा भी जा सकता है। प्राचीन समाजों में परिवर्तन बहुत कम व अस्पष्ट होता था। नंबर 3, भौतिक वस्तुओं में तीव्र। अभौतिक रूप, विचार, मूल्य, परंपरा आदि की तुलना में भौतिक वस्तुओं, मकान, औजार आदि में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है। यद्यपि परिवर्तन सभी क्षेत्रों में होता है। नंबर 4, सामान्य गति व स्वाभाविक ढंग। जो सामाजिक परिवर्तन सामान्य गति एवं स्वाभाविक ढंग से होता है, उसका प्रभाव संपूर्ण सामाजिक संरचना व विचारों पर अधिक पड़ता है। इसी प्रकार नंबर 5 है, भविष्यवाणी कठिन। सामाजिक परिवर्तन के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवर्तन किस रूप में होगा। नंबर 6, गुणात्मकता। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है, इसमें एक स्थिति दूसरी स्थिति को परिवर्तित करती रहती है और इस प्रकार संपूर्ण समाज पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव हो जाता है। नंबर 7, नियंत्रण संभव। सामाजिक परिवर्तन नियोजित ढंग से होता है, इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही इसे क्रियाशील बनाया जा सकता है, वह नियंत्रित भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमने सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा की है, इसकी विशेषताओं की चर्चा की है, साथ ही हमने इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी देखा है और समझने का प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। धन्यवाद।